दुनिया में अजीबो गरीब किस्से और चीजें हर जगह देखने सुनने मिल जाती हैं। यूपी में तो एक कॉलोनी ही ऐसी है जो अपने नाम और काम सब में अजीब है। अपनी इस अजीब वजह से इसका नाम भी ऐसा ही पड़ गया है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। पुराने समय में घर जमाई की कहीं कहीं परंपरा होती थी। एक ऐसी परंपरा जिसमें शादी के बाद दामाद अपने ससुराल यानी बीवी के घर आकर रहने लगता है। जमाई यानी दामाद और जो ससुराल आकर रहने लगे उसे घर जमाई का नाम दिया जाता है। बागपात में तो पूरी एक कॉलोनी है जिसे जमाईपुरा ही कहा जाता है। ऐसी एक परंपरा आपको खेकड़ा कस्बे की कॉलोनी जमाईपुरा में देखने मिलती है। बात 37 साल पुरानी है। 1987 में इस कॉलोनी में 4 ऐसे परिवार रहने लगे जिन्होंने खेकड़ा कस्बे की लड़कियों से शादी की और यहीं पर आकर बस गए। तब से इस कॉलोनी का नाम जमाईपुरा हो गया। इन्होंने ये मोहल्ला बसा दिया। बस स्थानीय लोग इसे जमाइयों के नाम से जानने लगे और मोहल्ले का नाम ही जमाईपुरा कहलाने लगा। आज के समय में इस जगह करीब 500 परिवार रहते हैं। खेकड़ा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 13 की कॉलोनी जमाईपुरा का नाम प्रेमपुरी कर दिया गया है। वर्तमान सभासद लियाकत अंसारी बताते हैं कि 1987 में इस कॉलोनी को बसाया गया। यहाँ रहने वाले परिवार की लड़कियों से भारी परिवार के लड़कों ने शादी की और फिर वो यहीं ससुराल में रहने लगे, तभी से इस कॉलोनी को जमाईपुरा कहा जाने लगा। खेकड़ा कस्बे में आज भी यही कॉलोनी जमाईपुरा के नाम से ही जानी जाती है। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर प्रेमपुरी रख दिया गया, लेकिन चलन में आज भी जमाईपुरा नाम ही है। ऐसी ही और अजब गजब बातें जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे थे हमारा स्पेशल सेगमेंट गजब की बात। नमस्कार।